हे गाइज, माय नेम इज़ वीरेन सिंह, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं, इज़ पीएचडी रियली वर्थ इन इंडिया और अब्रॉड? क्या सच में पीएचडी करना ज़रूरी है, या पीएचडी करना क्या सच में उतना ही लाभदायक होता है, क्या वो उतना वर्थ होता है कि हम अपना समय दें और पीएचडी में, और उसके बाद हमें उतना फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। सो आज एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और एक अपना कहते न्यूट्रल सिनारियो रखने की कोशिश करूँगा मैं, और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा और उन तक भी पहुँचाइए जो इस फील्ड में हैं। तो तीन मुद्दों पे पहले बात करेंगे, मतलब तीन चीज़ों पे ब्रॉडली हमारा ये वीडियो बेस्ड होगा। पहली ये चीज़ कि व्हाट इज़ द करेंट सिनारियो ऑफ द पीएचडी इन इंडिया, पीएचडी का करेंट सिनारियो क्या है इंडिया में, उसी के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। दूसरा सिनारियो ये होगा कि ऐसी कंडीशन है क्यों, अगर पीएचडी की जो कंडीशन है वो पीएचडी कंडीशन है कि व्हाट आर द रीजंस, एंड तीसरा व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स इन इंडिया, एंड अल्टीमेटली द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ कि द करेंट सिनारियो ऑफ पीएचडी इन इंडिया, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक डेटा के अकॉर्डिंग 2018 में यूपी में एक पीयून के पोस्ट पे, ग्रुप डी की नौकरी जिसे बोलते हैं सरकारी नौकरी, एक पीयून की नौकरी के लिए करीब करीब 97,000 अप्लीकेशन आए थे, जिसमें से कि 3700 अप्रॉक्सीमेटली पीएचडी स्कॉलर थे। मतलब एक पीयून की नौकरी के लिए जिसकी सीट ही करीब करीब 800 या 900 थी, उसके लिए 4000 पीएचडी एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था। आप सोच सकते हैं कि पीएचडी की हालत क्या चल रही है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं तो पीएचडी जो नॉर्मली किया जाता है, ज़्यादातर टॉप ऑफिशियल्स या टॉप पोजीशंस पे पहुंचने के लिए किया जाता है। इस नॉर्मली अगर हम गवर्नमेंट पीएचडी कंडीशंस के ऊपर बात करें तो द फेलोशिप ऑफ पीएचडी जो हमें मिलती है 31,000, दैट इज़ अ वेरी नॉमिनल वन, और ये आज एक बीटेक करने वाला इंसान भी अर्न कर लेता है अपने बीटेक फाइनल ईयर के बाद, ठीक है, ऑन एन एवरेज की बात करें। सो तीसरी चीज़, इकोनॉमी जो पीएचडी या आरएनडी जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोली जाती है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि जितनी भी कंट्रीज़ आपकी पाई जाती हैं, सबसे ऊपर स्वीडन एंड ये सब कंट्रीज़ हैं जो कि अपने आरएनडी पे सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया सारी कंट्रीज़ या यूँ बोल सकते हैं जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं उनमें आखिरी पोजीशन पे आती है। हम अपने देश का, यानी जो गवर्नमेंट है अपने देश की इकोनॉमी का, अप्रॉक्सीमेटली 0.27% ही आरएनडी पे इन्वेस्ट करती है, जो कि बहुत ही कम है अगर देखा जाए तो। सो आखिर ये कंडीशंस हैं क्यों, ऐसा कंडीशंस क्यों हैं? एक कंडीशंस ये भी है रियल सिनारियो में कि अगर आप किसी पीएचडी स्कॉलर से पूछने जाएंगे तो वो पीएचडी स्कॉलर आपको यही बोलेगा कि डोंट डू पीएचडी, मत करो पीएचडी। ऐसा आखिर कंडीशन क्यों है? ये एक रियल सिनारियो है। अगर आप जाओगे पीएचडी को देखने तो ये सारे नेगेटिव चीज़ें या मिलने वाला है, और लाइफ साइंस की हालत तो और भी ज़्यादा कहते हैं बदतर है। तो रीजंस जो है, जो मैं सोच सकता हूँ कि पहली चीज़ है गवर्नमेंट इकोनॉमी एक्सपेंडिचर। अगर सही तरीके से गवर्नमेंट अपने इकोनॉमी को एक्सपेंड करता, क्योंकि मनी इज़ द बेस्ट मोटिवेशन टू परफॉर्म एनी वर्क। अगर पैसा नहीं होगा तो किसी भी फील्ड में लोग नहीं जाएंगे। आज कंप्यूटर साइंस में इतने लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उसमें पैसा है, आईटी सेक्टर में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पैसा है, आगे आप एएनएन डेटा साइंस इसमें इसलिए लोग जाएंगे क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व्ड है। तो ये कंडीशन जो है आपके फ्यूचरिस्टिक पर्पज के हिसाब से देखा जाए तो, अगर पैसा नहीं आएगा तो ये कंडीशन शायद सुधरने वाली नहीं है। हम 10 साल पहले भी सुन रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी फील्ड या लाइफ साइंस फील्ड इज़ अ डेवलपिंग फील्ड एंड इट इज स्टिल डेवलपिंग। जैसे हमारा देश है डेवलपिंग से अभी तक डेवलपिंग ही है, डेवलप्ड नहीं बना है, एंड दैट्स बिकॉज कि यहाँ पे आरएनडी एजुकेशन की चीज़ें थोड़ी सी, उन पे बातें, उन पे इन्वेस्टमेंट, उनके ऊपर चर्चा कम की जाती है। द सेकेंड रीज़न इज़ लाइक लैक ऑफ एंथुजियाज्म ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज ज़्यादातर स्टूडेंट पीएचडी को एज अ ऑप्शन ट्रीट करते हैं, या वो ऐसा सोचते हैं क्योंकि इंडिया में ये एक ट्रेडिशन है ऐसा सोचना कि जैसे जैसे हम एजुकेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी जॉब सैलरी बढ़ेगी।
ऐसा लगता है कि हम पीएचडी कर लेंगे या हायर एजुकेशन कर लेंगे तो हमारे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत खुल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ अ नो लीनियर रिग्रेशन, नो लीनियर रिलेशन बिटवीन द एजुकेशन एंड करियर। करियर और एजुकेशन का कोई लीनियर रिलेशन नहीं है। आप जॉब बीटेक बीएससी के बाद भी पा सकते हैं, एमएससी के बाद भी पा सकते हैं, पीएचडी के बाद भी पा सकते हैं। सो ये एक मिथ होता है जिसकी वजह से कई लोग पीएचडी में कूद जाते हैं और उन या तो उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता कि और क्या करें और कैसे आगे बढ़े, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पीएचडी में इन्वॉल्व होना या चाहते हैं या इंटरेस्ट शो करते हैं कि पीएचडी ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़े तो हो सकता है, क्योंकि वो नहीं बढ़ रहा है रीज़न जो हम बात कर सकते हैं। लोगों का एंथुसियाज्म नहीं आता। तीसरी ये चीज़, इस फील्ड की ये हालत इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ मेजर फोकसेस ऑन द पेपर, ज़्यादातर पेपर पे ही लोग फोकस करते हैं, ज़्यादातर उसी पे बात करते हैं कि भैया पेपर नहीं होगा तो पीएचडी नहीं होगी। एंड इसी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट का फोकस रिसर्च से हट के पेपर पे चला जाता है, बिकॉज देयर इज़ अ वन थिंग दैट इज़ नो पेपर नो पीएचडी। ठीक है, नो पेपर नो पीएचडी का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप पीएचडी नहीं कर सकते। एंड दैट्स वाई आप सीधी सी बात है, अगर आप पेपर के ही सब कुछ डिपेंड होते तो आजकल जो है ऑल दो प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर्स आर देयर, इंस्टीट्यूट चेक भी करते हैं, लेकिन सबको पता है भाई इंडिया में 99% ऑफ द रिसर्च पेपर डस्टबिन में चले जाते हैं, कोई यूज नहीं है उनका, जस्ट बिकॉज कि वो अप्लीकेबल वे में नहीं काम कर रहे हैं। एंड थर्ड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी डोंट फोकस ऑन द सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज रिसर्च या स्केलेबल रिसर्च पे काम नहीं होता जिसको कन्वर्ट किया जा सके लोगों की हेल्प के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल्स डूइंग रिसर्च जस्ट लाइक कर लेते हैं, ये कभी जनरली पर्पज बहुत कम लोगों का होता है कि हमें कुछ ऐसा चीज़ डेवलप करना है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है जो कि सोसाइटी के लिए, इस साइंस फील्ड के लिए काम आए आगे चल के। और जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मली जो फील्ड स्पेसिफिकली हम चूज़ करते हैं उसमें इंटरेस्ट रहता नहीं और फिर अच्छा रिसर्च होता नहीं, पेपर करके निकल जाते हैं, फिर बाद में हम लोगों को बोलते हुए पाए जाते हैं कि अरे यार ऐसा नहीं वैसा नहीं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ पीपल्स सीक पीएचडी फॉर मॉनिटरी हेल्प ओनली। कई लोग को लगता है कि यार नौकरी नहीं मिल रही है चलो पीएचडी कर लेते हैं, कम से कम फेलोशिप तो मिलेगा, ये सवाल उठ जाता है मन में। अब जिस इंसान का पर्पज ही सिर्फ फेलोशिप होगा वो आगे क्या करेगा? सो द रीज़न बिहाइंड दैट कि वो 31,000 मिलने लगता है, वो सोचने लगता है चलो घर चल रहा है और पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर पाता। पीएचडी में स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है कि स्टूडेंट जो हैं वो खुद को डेवलप करते ही नहीं हैं, वो बस काम चलाओ काम करते हैं और जैसे तैसे करके पेपर पे करके या पीएचडी जैसे तैसे निकालने की कोशिश करते हैं। आप खुद सोचो किसी भी फील्ड में हो, इवन अगर कंप्यूटर साइंस की बात करूँ ना उसमें भी उतना ही कंपटीशन है, आईटी सेक्टर में भी है, हर जगह है कंपटीशन। माना कि अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ज़्यादा है तो कंपटीशन कम दिखाई देता है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम है तो कंपटीशन ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी अगर आप 4 साल कंप्यूटर साइंस में कुछ ना पढ़ें, आपके पास कोई स्किल नहीं है कंप्यूटर साइंस का, तो आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेते हुए भी कोई जॉब नहीं पा सकते। लिटरली आप कई ऐसे लोगों को आसपास देखते होंगे। एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन लाइफ साइंस टू। अगर आप खुद को वो 4 साल 3 साल 5 साल 6 साल 7 साल जो भी दे रहे हैं उसमें अगर अपने अंदर कोई स्किल डेवलप नहीं करेंगे, चाहे कोई टेक्नोलॉजिकल स्किल, रिसर्च एप्टीट्यूड स्किल, कोई भी स्किल डेवलप नहीं करेंगे, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आगे कोई कंपनी आपको प्रेफर करेगी या कोई जॉब आपको प्रेफर करेगा। सो दिस इज़ वॉट दिस इज़ लाइक 5 मेजर रीजन्स जो इसकी वजह से कि पीएचडी की ये हालत हो रखी है इंडिया में कि एक पीयून की नौकरी के लिए लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। अब बात आती है पीएचडी के प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज एंड कॉन्स पे जाने से पहले कि ध्यान रखना कि जब पीएचडी करना है तो हमेशा दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि करना क्यों चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू डू पीएचडी, ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर होता तो उसी के लिए प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर मैं बात करूँगा कि दिमाग में आपके क्लियर हो जाए कि पीएचडी करना क्यों है और पीएचडी करना क्यों नहीं, क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्स। पहली चीज़ कि देयर इज़ अ नो प्रॉपर फिक्स आवर फॉर स्टडी।
फॉर वर्क। पीएचडी में आपको रात के 2 बजे भी लैब में काम करना पड़ता है, रात के 10 बजे भी करना पड़ता है। अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट लगा दिया और खासकर लाइफ साइंस में एक्सपेरिमेंट रन कर रहा है तो आप स्किप नहीं कर सकते। गाइड आपको कभी भी फ़ोन करके बुला देता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा एक कहते कौन सा एक फिक्स टाइम होना चाहिए काम करने का कि आप लैब में इतने टाइम ही आपको काम करना है, बट ऐसा बहुत रेयर जगहों पर होता है। नो फिक्स लाइक कह सकते हैं टाइम या ड्यूरेशन, कहने को 4 साल की पीएचडी, लेकिन कहीं कहीं जगहों पे 7-8 साल भी लोग खींचते हैं। और बिकॉज जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एनर्जी होती है, जो एंथुजियाज्म होता है जो उस रिसर्चर का, तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा भाई। 10 साल से एक ही काम में अटका पड़ा है तो आगे काम करने का मन ही नहीं करने वाला है। दिस अ केस ऑफ लाइक कि नो पेपर नो पीएचडी वाला, कि आपका मेजर फोकस सिर्फ पेपर पे होता है। अगर आप पेपर नहीं करेंगे पीएचडी नहीं कर सकते। नेचर में पब्लिश किया गया ये आर्टिकल है कि नो पेपर नो पीएचडी पे इंडिया को सोचना चाहिए। नेचर में ये चीज़ पब्लिश्ड है, अगर आप जाके देखोगे तो। पॉलिटिक्स ऑफ द प्रोफेसर्स, कई बार ऐसा होता है कि प्रोफेसर्स अपनी पॉलिटिक्स में स्टूडेंट्स का बेड़ा गर्क हो जाता है। वो अपनी पॉलिटिक्स तो अपने आप को बढ़ाने के लिए लगे पड़े रहते हैं, स्टूडेंट्स का जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा, स्टूडेंट्स का कुछ नहीं होता। ये सब कौन से जो पीएचडी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। लेस रिकॉग्निशन ऑफ द टैलेंट एंड आइडिया। इफ़ यू हैव यूनिक आइडिया, इफ़ यू हैव पर्टिकुलर टैलेंट, आप चाहते हो कि उसको एक्सप्लोर करो ना। बहुत ऐसे ब्राइट माइंड है इंडिया में जो कि बहुत अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन बहुत कम प्रोफेसर्स या बहुत कम इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो उस आइडिया को तवज्जो देते हैं। कुछ भी नया आइडिया आप लेके जाओगे ना तो ज़्यादातर प्रोफेसर्स इज़ लाइक कि अरे यार जो काम करा रहे हैं वही कर लो, जल्दी जल्दी पीएचडी कर लो आराम से। सो ज़्यादातर प्रोफेसर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, बट मैक्सिमम प्रोफेसर्स वही काम कराते हैं जो उनका चल रहा होता है, क्योंकि प्रोफेसर्स अपने एडवांटेज के ऊपर ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि मेरा पेपर होगा, मैं असिस्टेंट से एसोसिएट, एसोसिएट से प्रोफेसर, समथिंग लाइक दैट। ये टेंडेंसी जो है उस पर थोड़ा ज़्यादा जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स का कई सारे ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो स्टूडेंट लेके आते हैं, लेकिन उसको ना फिजिबल, या बोल देते हैं कि ये फिजिबल नहीं है, जिसकी वजह से उसको बंद कर दिया जाता है बिना किसी ट्राई के, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी कोशिश के, वो आइडिया बेकार हो जाता है। तो ये एक होता है कि आपके पास कितना टैलेंट है, कितना आइडिया है, कितनी थिंकिंग कैपेबिलिटी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको करना उसी तरीके से है जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। और ये चीज़ फॉरेन में और ज़्यादा होती है। फॉरेन में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, ये कि फ़िक्स आर्स पे काम करना है, फ़िक्स पैटर्न पे काम करना है, लेकिन आइडिया के बारे में वहाँ पे भी यही हाल है कि आप बहुत ज़्यादा अपना सोच नहीं सकते, जो गाइड बोलेगा उसी हिसाब से आपको काम करना होता है। इसके अलावा एनर्जी ड्रेनेज, आप अगर 4 साल से 5 साल किसी काम में इन्वॉल्व होते भैया बिना लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, वही डेली का रूटीन, वही सब कुछ, आपके दोस्त कलीग्स देख कमाने लगेंगे, आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें हो रही है, तो आपका जो एनर्जी है वो ड्रेन होता चला जाता है। पीएचडी फर्स्ट ईयर में जो एनर्जी होती है और पीएचडी फाइनल ईयर में एनर्जी होती है, वो उसमें बहुत बड़ा गैप आ जाता है। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो चाहते हैं कि वो स्टार्टअप करें, लेकिन मैंने कई लोगों से इंटरेक्ट किया हुआ है जो कि पीएचडी के बाद उनकी एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती है कि वो अब करना ही नहीं चाहते। सो एनर्जी ड्रेनेज इज़ आल्सो वन ऑफ द कॉन्स ऑफ पीएचडी। देयर इज़ अ लाइक लेस सिक्योरिटी ऑफ द जॉब। पीएचडी के बाद भी जॉब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके स्किल पे ही डिपेंड करता है। वो तो पहले भी डिपेंड करता था, आप एमएससी बीएससी बीटेक एमटेक कुछ भी कर रहे थे तब भी डिपेंड करता था कि आपके पास स्किल है तो जॉब मिलेगी, चाहे आप पीएचडी करो या ना करो। सो दैट्स द कंडीशन कि पीएचडी के बाद भी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। इंडिया में करीब करीब 20,000 पीएचडी जो है एक साल निकलते हैं, और उसमें से जॉब अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रोफेसर से नॉल को देखो कितनी वैकेंसीज निकलती है, 500 मैक्सिमम फॉर पीएचडी। 15,000 कहाँ जाएंगे, कहीं तो जाएंगे ना, एंड दैट इज़ द केस। और ये हर फील्ड का हाल है, नॉट ओनली पीएचडी। इसके अलावा जो होता है लेस फोकस ऑन द लाइक जो मोर फोकस ऑन द पेपर्स एंड लेस फोकस ऑन द क्वालिटी। ज़्यादातर फोकस जो होता है क्वांटिटी ऑफ पेपर्स पे होता है रेदर देन क्वालिटी ऑफ द पेपर्स पे। आप जितने ज़्यादा पेपर छापते हैं ना उतना अच्छा होता है। आप इंडेक्स के ऊपर बात करते हैं, आप उस रिसर्च की क्वालिटी पे बात नहीं करते, आप पेपर की क्वालिटी पे बात करते हैं बस। एंड दैट्स व्हाट इतने 1600 से 1700 पेपर्स इंडिया में हर साल पब्लिश होता है, और उन 1600 से 1700 पेपर्स में से ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं होता जो स्केलेबल हो और जिसको आपने देखा होगा कि ये आके जो है अच्छा काम कर रहा है।
सो दैट इज़ वन ऑफ द लाइक सिनारियो कॉन्स के ऊपर. पीएचडी आपको करनी है तो फेलोशिप आपको ज़रूर चाहिए. इफ़ यू डोंट हैव द फेलोशिप, अगर आपके पास कोई फेलोशिप ही नहीं है आपके पास, तो पीएचडी करने का कोई मोटिवेशन नहीं. पैसा नहीं मिलेगा तो आप तो पीएचडी कत्ते ही नहीं कर सकते. इफ़ यू आर डूइंग पीएचडी विदाउट फेलोशिप ना, इतना फ्रस्ट्रेशन आने वाला है क्योंकि पैसा नहीं मिलता है कहीं पे और उसमें काम कर रहे हो कहीं पे नहीं होता भाई, बहुत दिक्कत होगी, सीधी सी बात है. इसके अलावा जो है दैट लाइक कि लेजी प्रोफेसर्स आर देयर, लेस क्वालिटी ऑन द रिसर्च एंड समटाइम्स डिले इन द फेलोशिप. जो आप फेलोशिप अवेल कराते हो वो डीले होता है, मतलब ज़्यादा समय उसमें लगता है आने में. शुरू में अगर आप CSIR की बात करो तो पहली फेलोशिप उसकी 6-7 महीने बाद आएगी, उसके बाद कंसिस्टेंट हर महीने उसकी फेलोशिप आती ही नहीं. अगर इंसान उस पर डिपेंडेंट हो अपने डेली मर्रा के खर्चे पे तो वो कर ही नहीं पाएगा. इंस्टीट्यूट फेलोशिप थोड़े बेटर है इस मामले में, बट स्टिल लाइक कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस तरीके से काम करती है. इसके अलावा पीयर प्रेशर इन द वर्क, पीएचडी में कई बार वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है. हमें जो पढ़ाया जाता है एमएससी में, हमें जो पढ़ाया जाता है पहले, उसका और पीएचडी में लार्ज गैप हो जाता है. पीएचडी में कई सारे ऐसे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर्स की, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स की जो हमें ज़रूरत होते हैं, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स की, लेकिन वो हमें बताया नहीं जाता. सो दीज आर द केसेस जो कि आपकी कॉन्स की बात करते हैं. अगर प्रोज की बात करें, एडवांटेजेस की बात करें पीएचडी करने के बाद, जो सबसे सो कॉल्ड प्रोज है, डॉक्टर की टैग लग जाएगा. कई लोग पीएचडी इसलिए करते हैं जो कि डॉक्टर का टैग लगवाना चाहते हैं. आई एम वन ऑफ देम, ठीक है. एंड इसके अलावा जो है देयर इज अ केस कि पीएचडी करने के बाद 2-3 चीज़ें या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको आएंगी. पहली चीज़ कि आफ्टर एमएससी, अगर मैं लाइफ साइंस के सिनेरियो से बात करूँ तो आफ्टर एमएससी जो आप जॉब करोगे ना उसमें 31,000 महीना तो नहीं मिलने वाला. इफ़ यू हैव द फेलोशिप तो पीएचडी आपके लिए अच्छी होती क्योंकि 31,000 आपको मिलेंगे. इट इज़ अ गुड अमाउंट, ठीक है, मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता, बट घर चलाने के लिए और थोड़ा सा आपका फाइनेंशियली आप थोड़े से फ्री रहेंगे, कुछ और भी सोच पाएंगे करने के लिए. दूसरी ये चीज़ है दैट You will have a confidence like after PhD, क्योंकि इतना patience touch करता है PhD आपका कि आप PhD करने के बाद आपको ये confidence आ जाता है कि मैं हार तो नहीं मानने वाला. ये आपके अंदर आ जाएगा कि अब मैं हार तो नहीं मानने वाला, ये confidence आपके अंदर आ जाता है कि आई एम नॉट गोइंग टू लाइक मैं जो है गिव अप नहीं करने वाला हूँ. एक ये अच्छी चीज़ होती है जो मैं समझता हूँ. इसके अलावा जो है आपके पास पेशेंस आता है, आप मोर टूल्स मोर थिंग्स लर्न कर पाते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड आपका ग्रो होता है, आपके पास स्किल्स बढ़ जाती है कुछ कई सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने की, चीज़ों को यूज़ करने की. एंड सबसे बड़ी चीज़ यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी, आपका जो जॉब प्रॉस्पेक्टस है वो बढ़ जाता है क्योंकि एमएससी के पास आपके पास बहुत नैरो रेंज होता है जॉब में अप्लाई करने का, एमएससी और एमटेक. लेकिन आफ्टर पीएचडी मैं नहीं कह रहा कि जॉब मिल ही जाएगी, बट आपके पास जो ब्रॉड रेंज होता है वो अप्लाई करने का, मतलब आप प्रोफेसर से लेके प्रोफेसर्स, आप ट्यूटर्स बन सकते हैं, यूट्यूब पे अपने चैनल्स खोल सकते हैं, R&D लैब्स में जा सकते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हैं वो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशंस पे, मतलब सारी चीज़ें. तो ये सब कुछ जो है आपके पास होता है एज अ प्रोज एंड तो कॉन्स एंड प्रोज या कुछ इस तरीके से थे. अल्टीमेटली अब हम बात करते हैं कि पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए आपको. तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मुझे पीएचडी करनी है नहीं करनी है, लेकिन उस पर अगर मैं बात करूँ तो ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप के लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. पहली बात तो किस एज ग्रुप के लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपका अंदर का ओपिनियन क्या, आप करना क्यों चाहते हैं. पहली चीज़, अगर आप BSc या 12th लेवल इस लेवल के स्टेज पे हैं और आप सोच रहे हैं PhD करने का, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा यू कैन स्किप टू, ठीक है ना. अगर आपका प्राइमरी फोकस जॉब करने का है, अगर प्राइमरी फोकस ज़्यादा अमाउंट या ज़्यादा सैलरी पाने वाला जॉब करने का है, आप ऐसा सोच रहे कि PhD करने के बाद मुझे बहुत अच्छा और बहुत बड़ा जॉब मिलेगा, तो ये सोच से अगर PhD कर रहे हैं तो शायद गलत है.
अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप आगे पोस्ट डॉक या R&D लैब्स में जाना चाहते हैं, आपका एंथुसियाज्म रिसर्च में है, तो परस्यू करिए इस फील्ड को। और रही बात MSc पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो MSc के बाद जनाब, ये तो रही 12th और BSc लेवल की, अगर आप उस MSc एज ग्रुप के हैं तो आपका मैक्सिमम समय तो वैसे ही ड्रेन हो चुका है। इस लेवल पे अगर आप प्राइवेट जॉब करने जाओगे, कई ऐसे लोग BEd का रुख करते हैं, उसके बाद पढ़ाने जाएंगे, 15,000 से 20,000, 25,000 मिलेगा आपको। और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे तो वो भी 20,000 से 25,000 आपको पर मंथ देंगे पढ़ाने के। लेकिन आप PhD करते हो तो आपको 31,000 मिलता है। और जब आप पढ़ा रहे होते हो या किसी R&D लैब में, अगर R&D लैब की बात करूँ आफ्टर MSc, जो कि बहुत कम प्रीफर किया जाता है MSc बंदों को, बट अगर कहीं पे ले भी लिया गया एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट या एज अ लैब असिस्टेंट, तो वहाँ पे पैसे बहुत कम होते, 12,000 15,000 ऐसे पैसे दिए जाते हैं। और लेटर ऑन आप शुरू में लगेगा कि यार PhD 4 साल 5 साल की है ज़रूर, लेकिन मैं ये कर लेता हूँ, मुझे पैसे तो मिल रहे हैं, बट लेटर ऑन आपका प्रमोशंस बहुत स्लो हो जाएगा। एक ऐसे स्टेज पे जाने के बाद आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ती है लाइफ साइंस के फील्ड में, क्योंकि ये फील्ड जो है बहुत ऐसा है जिसमें कि PhD बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है फॉर प्रमोशंस, फॉर हायर इम्प्रूवमेंट्स, अगर आप इस फील्ड में हैं तो वहाँ पे आपको इसकी फील होगी। कई ऐसे लोग हैं जो MSc MTech के बाद जॉब में स्विच किए और फिर आके उन्होंने PhD करनी शुरू करी, उनमें से मैं भी एक हूँ, जिसमें मैं पहले PhD की तरफ रुक नहीं था, फिर मैंने वापस इस तरीके पे आया हूँ। सो द कंडीशन इज़ लाइक कि अगर आप हैं MSc इस कंडीशन में, तो PhD की तरफ रुख करना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जितना पैसा आपको PhD में मिल रहा है लगभग उतना आप कमाओगे बाहर भी, लेकिन बाहर पे एक्स्ट्रा आपको डिग्री नहीं मिलती, पैसा उतना मिल जाएगा, एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा 3-4 साल जो भी आपको मिलता है, आप स्विच करते रहोगे, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको कंपनी में पोजीशंस तो दिलाता जाएगा, बट प्रमोशंस एक लेवल पे जाके रुक जाएगा। कंपनीज दिला देगा, आप स्विच भी कर लोगे, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम जब आपको लगेगा कि यार यार ये पोस्ट भी मुझे मिल जाती अगर मेरे पास PhD होती तो, एंड दैट्स द केस हियर, कि यहाँ पे PhD थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए अभी रिसेंटली जो ये चीज़ हुई थी कि PhD मैंडेटरी कर दिया गया है प्रोफेसर्स बनने के लिए, थोड़ी सी वैल्यू PhD की बढ़ाई गई है, बट स्टिल ड्यू टू दीज थिंग्स ये चीज़ें होती हैं। एंड अल्टीमेटली एट द लास्ट मैं यही रिकमेंड करूँगा, इफ़ यू आर एट MSc लेवल, आप PhD की तरफ रुख करिए, और अगर आप BSc लेवल पे हैं या 12th लेवल पे है, तो एक बार सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए। और ध्यान दीजिए, PhD करने के लिए कई सारे फेलोशिप के एग्ज़ाम्स होते हैं, CSIR, DBT, GATE एंड अलग अलग, अगर आप उनको क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं eLearnum के साथ, या अपन अकेडमी के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं डील करता हूँ CSIR के लिए। सो दैट इज़ द केस, होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। अगर मैं अपनी बात को सही तरीके से रख पाया हूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको क्लैरिटी हुई, और कुछ किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ तो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अगर पूरा करना हो CSIR का सपना, तो मेहनत से बढ़कर कोई संकल्प नहीं। जब बात हो बेस्ट तैयारी की, तो अनअकैडमी से बेहतर कोई विकल्प नहीं। अनअकैडमी का एक टॉप एजुकेटर, जिसे वीरेंद्र सिंह के नाम से जानते हैं, अपने स्मार्ट टीचिंग से वो कईयों के सपने पूरे कराते हैं। जुड़िए अनअकैडमी के साथ और ले जाइए अपना CSIR अपने साथ। देखिए वीरेंद्र सर की फ्री क्लासेस, अपनी तैयारी आजमाने के लिए, और यूज करिए रेफरल कोड वीरेंद्र 10% डिस्काउंट पाने के लिए।